युवक दौड़ा रहा है और ये महिला भी बार बार धमकी दे रही है। इनके साथ बच्चे भी हैं। मथुरा पुलिस दोनों के सामने लाचार दिखाई दे रही है। मथुरा पुलिस स्थिति काबू पाने में नाकाम है और महिला के साथ आप देख सकते हैं कि जमीन पर ही तीन बच्चे बैठे हैं। एसएसपी कार्यालय के बाहर युवक का तांडव है। मथुरा में बीच सड़क पर तांडव महिला और पुरुष का जारी है। युवक का नाम शिवम चौधरी है। खुद की गाड़ी में शिवम चौधरी ने आग लगा ली और अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हुई है कि आखिरकार शिवम चौधरी ने ये कदम क्यों उठाया, क्यों उसने अपनी ही गाड़ी में आग लगा ली और कैसे इसके दोनों हाथों में पिस्टल है और इस महिला के पास भी कैसे पिस्टल है, ये सब अभी जांच का विषय है। बहरहाल मथुरा पुलिस को इन दोनों ने परेशान करके रखा है। बीच सड़क पर इन दोनों का ये ड्रामा चल रहा है। आग लगाने के बाद फायरिंग इन्होंने की है। युवक के दोनों हाथों में पिस्टल एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं और पिछले एक घंटे से इन दोनों का ड्रामा चल रहा है और जब पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए आगे आती है तो ये बंदूक लेकर पिस्टल लेकर पुलिस को दौड़ा लेते हैं और इन दोनों की वजह से जाम की स्थिति हो गई है। अपनी ही गाड़ी में आग लगा दिया, चौकी के सामने आग लगाई, यानी पुलिस चौकी के सामने आग लगाई। ये तस्वीरें फिर से हम एक बार आपको दिखा रहे हैं। अब इन दोनों की समस्या क्या है, आखिरकार इन दोनों ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, अभी फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन ये तय है कि ये दोनों और ये बच्चे तीन इसी कार में थे और गुस्से की वजह से, हो सकता है या कोई और वजह हो, इन्होंने पहले अपनी कार में आग लगाई, उसके बाद पिस्टल गाड़ी से निकाली और जब पुलिस वहां इकट्ठा हुई, चूंकि जाम की स्थिति हो गई थी, पुलिस इकट्ठा हुई तो इन लोगों ने पुलिस को दौड़ा लिया। आप देख सकते हैं कि भीड़ वहां पर काफी हो गई। तीन बच्चे, प्रथम दृष्टया कह सकते हैं कि ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन अभी ये जांच का विषय है। युवक का नाम सामने आया है, मोहन श्याम शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, मथुरा के हमारे संवाददाता है। अब मोहन, ये शिवम चौधरी नाम का युवक क्या चाहता है और अभी क्या स्थिति है? ये बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से पूरा जो मामला है एसएसपी ऑफिस के सामने का है, सिविल लाइन पुलिस चौकी इसके बिल्कुल बिल्कुल पुलिस की नाक के नीचे का पूरा घटनाक्रम है। ये शिवम नाम का व्यक्ति अपनी कार से अपनी बहन या पत्नी हो सकती है, अभी ये कंफर्म नहीं पाया तो महिला आखिर है कौन, उनको लेकर के जा रहा था अचानक से पुलिस चौकी बिल्कुल सामने गाड़ी होगी और गाड़ी रोक करके उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया और गाड़ी में आग लगा दी। आग लगते फायरिंग को देखकर जो पुलिस वाले मौजूद थे वो भी भाग गए। कोई वकीलों ने बड़ा अपनी हिम्मत दिखाकर व्यक्ति को पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। हवाई फायरिंग की है अपनी गाड़ी में ही? जी राहुल, उसने खुद अपनी गाड़ी में आग लगाई, गाड़ी में आग लगाने के बाद फायरिंग किया और कई राउंड फायर किए। फायरिंग करने के बाद में जो पुलिसकर्मी चौकी मौजूद थे खुद भाग के चौकी छोड़ करके कई वकीलों ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाकर जो व्यक्ति गिरफ्तार करा के पकड़े पुलिस वाले। यानी अभी हालात काबू में नहीं है मोहन श्याम? राहुल, अगर हालत की बात की जाए तो जो आरोपी युवक है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चौकी में एसएसपी सहित एसपीसीटी अधिकारी मौके पहुंच गए, उसकी जानकारी कर रहे हैं। आज से घटना बजे की थी, बस एम बात निकल की जा रही है। जो व्यक्ति था वो काफी समय से पीड़ित था और पुलिस के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहा था, समझा की कॉपी से या फाड़ी है सबके सामने और पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा था या पुलिस न्याय नहीं देती, पैसे मांगते हैं, खाने बिकते हैं, ये सारे आरोप को देखते हुए लग रहा है कि पुलिस की चलते उसने खिलाफ अलग अलग बनाया है। राहुल, यानी ये दोनों ही हिरासत में ले लिए गए हैं और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं। मथुरा में अलर्ट होने के बावजूद ये स्थिति है मोहन? बिल्कुल,
बिल्कुल इस तरीके से मथुरा में हाईलाइट की लग गया, उसके बाद भी जो है पुलिस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। गाड़ी में आग लगाने के बाद खाली हुई गाड़ी काफी टाइम बाद आई, और जहां तक बात ट्रेन की है, ट्रेन के लिए भी कप्तान ने खुद मैसेज किया कि टीएसआई को सस्पेंड कर देंगे, उसके बाद तक जो गाड़ी नहीं आ पाई। और पूरा जो मामला लग रहा है कहीं ना कहीं पीड़ित लंबे समय से पुलिस के ओपिनियन से परेशान था, जो उसके बार बार जो टारगेट था पुलिस की, पुलिस को लेकर बार बार ये कह रहा था कि पुलिस भ्रष्ट है, थाने में सुनवाई होती, शिकायत करने जाते हैं, पैसे मांगे जाते हैं, उसको लेकर परेशान था, प्रताड़ित पुलिस के द्वारा किया गया था, इसी वजह से उन्होंने कदम उठाया है। जी राहुल, यानी पुलिस प्रताड़ना का ये मामला है जैसा कि मोहन श्याम बता रहे हैं। हालांकि उसने सरदर्द और मोल ले लिया है, चूंकि इसके पास पिस्टल है और बहुत स्वाभाविक है, पिस्टल तीन तो किसी को इशू हो नहीं सकती है, इलीगल होगी इसमें से दो पिस्टल। पत्नी के हाथ में ही पिस्टल है, पति पत्नी दोनों के हाथ में पिस्टल बताई जा रही है, हाथ में पिस्टल है और पुलिस छिपती नजर आ रही है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस छिप रही है। मोहन श्याम ने भी बताया कि ये लोग पुलिस से प्रताड़ित थे। मथुरा में हाई अलर्ट के बाद की ये स्थिति है, युवक के दोनों हाथों में पिस्टल है और अभी ये जानकारी नहीं सामने आई है। मोहन श्याम शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन, कुछ आपको पुख्ता जानकारी हुई है कि आखिरकार किस वजह से इन लोगों ने ऐसा किया, इन दोनों ने? राहुल, जिस तरीके मेरी एस एस पी मथुरा से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि व्यक्ति हिरासत में ले लिया, एक महिला उसे साथ में जो हिरासत में ले ली गई है, और महिला और व्यक्ति की पता किया जा रहा है। उसका जो नाम प्रथम दृष्टि सामने निकल के आया है वो सोम चौधरी है, मथुरा के औरंगाबाद इलाके का रहने वाला है, जो मथुरा के सर थाना इलाके में पड़ता है, वहां का रहने वाला है। और पुलिस पूरी जांच की बात कर रही है और पूछताछ की बात करें, पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा आखिर आदमी है कौन और किसने दर्शक किया, क्यों किया। क्योंकि व्यक्ति जिस समय फायर कर रहा था उसने उसके आदमी काला कोट पीटा, तो अब ये भी है कि लोगों में कि वो कहीं ना कोई वकील हो सकता है, पर चूंकि जो वकीलों से मेरी इस तरह बात नहीं है, वकीलों कहना कि कोई वकील प्रोफेशनल होता है और अपने कोर्ट को। मोहन ये बताइए, ठीक है, इन दोनों का ये ड्रामा ये कितनी देर तक चला और ये सब कुछ कहाँ हो रहा था? बिल्कुल राहुल, ये जो पूरा ड्रामा था एस एस पी ऑफिस से मुश्किल 15 मीटर दूर था, और जो सिविल लाइन चौकी है उसके बिल्कुल नीचे था, बोर्ड के चौकी के बिल्कुल सामने, चौकी की दूरी एक फलन भी नहीं है, चौकी के बिल्कुल सामने, चौकी में 4 से 6 लोगों का स्टाफ हर समय तैनात रहता है, और यहाँ इंस्पेक्टर लगभग पूरे समय ये बैठे रहते हैं, चौकी वी आई पी इलाके चौकी और सिविल कोर्ट वही जिलों का आवास हो गई, जिला का सामने सामने आवास है, सीजीएम का दूसरी तरफ आवाज है, सारे जल्दी भी रहते हैं, वकीलों की चिम्बर भी यही है, और खास बात है कलेक्ट्रेट और एस एस पी हो गए, गाँव की दूरी 15 से 20 मीटर की आती होगी, इसके बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी सावधानी उठाता है। जी राहुल, मोहन श्याम शर्मा लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और क्या मोहन आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि ये पुलिस से प्रताड़ित था, ये कैसे कह सकते हैं आप, कैसे जानकारी हुई आपको? बिल्कुल, जिस तरीके मेरी कई बार लोगों से बात हुई है, वकीलों से मेरी बात हुई है, और लोग कहना है कि बार बार फायर करता था और फायर करते हुए कहता पुलिस जाके व्यस्त है, प्रशासन व्यस्त है, प्रशासन न्याय नहीं देता, प्रशासन जब न्याय मांगने जाते हैं पुलिस के पास में तो पुलिस पैसे मांगती है, पैसे किससे न्याय या बिकता है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही अहम तस्वीर, मोहन आप बने रहिए। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ आज पुलिस के आला अधिकारियों को लोकभवन में बुलाकर क्राइम मीटिंग ले रहे हैं, और दूसरी तरफ ये तस्वीर जो मथुरा से आई है, ये निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल या निशान खड़े कर रही है। मोहन, एक चीज आप और जिक्र कर रहे थे कि पुलिस बचती नजर आई, जब इन लोगों ने पिस्टल दिखाई तो पुलिस बचती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से जो आरोपी व्यक्ति था जिसको फिलहाल पुलिस के अगर माना जाए आरोपी कहा जा रहा है, वो व्यक्ति पिस्टल ले रहा था, तमंचा उसके हाथ में था, बाइक के हाथ में उसकी पिस्टल थी, जो महिला के साथ उसके हाथ में पिस्टल थी, वो पिस्टल को ले रहा थी और व्यक्ति तमंचा फायर कर रहा था, कोई व्यक्ति की तरफ पकड़ने भागता था, वो पिस्टल को थोड़ा अपने दिमाग पर लगा लेता, सिर पर लगा लेता कि कोई अगर आगे वाला मैं स्ट्राइक कर लूंगा मर जाऊंगा, और लगातार फायर कर रहा था, 15 से 20 करीब उसने फायर किया, फायर करने के बाद पुलिसकर्मी लोग चौकी पर तैनात थे, मौजूद थे चौकी पर घटना के समय, वो घटना मौका छोड़कर भागे, चौबीस दूर भागे, और कई वकीलों ने वह हिम्मत दिखाकर करके और उस व्यक्ति को पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। जी राहुल, नहीं मोहन, मोहन श्याम शर्मा, शलभ माथुर क्या पूरी तरह से फेल हो गए हैं? उनकी पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई है जब दो लोगों को ये संभाल नहीं पा रहे हैं,
बकायदा पुलिस छिप रही है, तो अगर कोई बड़ी घटना हो गई थी तो ये क्या करते? बिल्कुल राहुल, इस तरीके से मथुरा के एसएसपी कलम माथुर करवाती है, प्रमुख जो है यहाँ की जो क्राइम को रोकने में नाकामयाब रहे हैं, क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं है। आए दिन 10 से 15, 20 से 25 दिन में थानेदारों को ट्रांसफर होता है, तो कुल मिलाकर ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है में सब उनका चल रहा है और ट्रांसफर पोस्टिंग में उनको जुड़ जाना है। इसके अलावा क्राइम कंट्रोल करने में उनका कोई ध्यान नहीं है। जी राहुल, चलिए मोहन श्याम शर्मा आपका शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं, एक तरफ लोक भवन में क्राइम मीटिंग हो रही है और दूसरी तरफ खुली चुनौती एक पति पत्नी के द्वारा। इस महिला के हाथ में भी पिस्टल है और इस पुरुष को भी देखिए, इसके दोनों हाथों में पिस्टल है और इससे बचती छिपती नजर आ रही है मथुरा की पुलिस। ये तस्वीरें आप गौर से देखिए।